हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट 10 अगस्त 2020 की है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए क्या लिखा है आज की वर्कशीट में। कंप्लीट द नेम ऑफ कलर्स एंड ड्रॉ ए थिंग ऑफ दैट कलर इन द बॉक्स। क्या कह रहा है, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करना है, कलर का नेम बनाना है और यहाँ पे उनसे रिलेटेड, उस कलर से रिलेटेड एक थिंग का डायग्राम बनाना है। तो आइए करते हैं, पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर्स के नाम लिखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट में क्या आएगा, देखो सोचिए क्या आएगा बेटा, ग्रीन। क्या आएगा, ग्रीन। फर्स्ट में क्या आएगा, ग्रीन कलर। कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है ना हमको, तो हम फर्स्ट में क्या कर देंगे, ग्रीन कलर। ठीक है, सेकेंड में क्या आएगा बेटा, पिंक, PINK, पिंक। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा बेटा, ऑरेंज। क्या आएगा, ऑरेंज। तो ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है, OR ANGE। ठीक है, फोर्थ में क्या आएगा बेटा, येलो कलर। क्या आएगा, येलो, YELLOW, येलो कलर। फिफ्थ में क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, ब्राउन। क्या आएगा, ब्राउन, BROWN, ब्राउन। और सिक्स्थ में क्या आएगा बेटा, ब्लू कलर। क्या आएगा, ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने नाम लिख दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए। अब हम डायग्राम बनाते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं। तो बेटा ग्रीन क्या होता है, देखो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, आप जो भी चाहे बना दें। मैं यहाँ पे पी बना देती हूँ, मटर बना देती हूँ। मटर कैसा होता है, कैसा होता है, ब्लू होता है ना, सॉरी ग्रीन होता है ना कलर में। आप चाहे तो स्पिंच बना सकते हैं या और कोई कुछ भी जो आप चाहते हैं, कुकुम्बर बना सकते हैं। ठीक है, पिंक, पिंक के लिए क्या बनाते हैं, पिंक हम आपकी एक ड्रेस बना देते हैं कि आपकी ड्रेस कैसी है, एक पिंक ड्रेस है। ठीक है, तो हमने क्या बना दी, आपकी एक ड्रेस बना दी पिंक। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। अगर और कुछ चाहते हो तो बच्चे और भी बना सकते हैं आप। इसके अलावा ऑरेंज, ऑरेंज तो आपको पता ही है, ऑरेंज कैसा होता है, कैसा होता है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ही होता है। येलो में क्या बनाएंगे बेटा, आप बनाना बना दीजिए। बनाना कैसा होता है कलर में, ऑरेंज होता है ना, तो आप बनाना बना दीजिए। ब्राउन क्या बनाएंगे, आपके जो घर के डोर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं ना, तो आप वो बना सकते हैं। या इसके अलावा आप और कुछ चाहते हैं तो बेटा वो भी बना दीजिए। ब्लू में क्या बनाएंगे, ब्लू में आप बकेट बना दीजिए, आपके घर की जो बाल्टी होती है वो कैसी होगी, ब्लू। आप चाहते हैं तो इनमें कुछ और भी बना सकते हैं बेटा। तो आइए अब हम इनसे कलर करते हैं कि कौन कौन से कलर कर रहे हैं हमने। तो यहाँ पे क्या भर दिया हमने, ग्रीन कलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिंक की। तो ड्रेस कैसी बनाई हमने बेटा, पिंक कलर की। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, ऑरेंज कलर। अब हम क्या भरते हैं, ऑरेंज कलर फिल करते हैं इसके अंदर, ये हमने ऑरेंज कलर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए येलो कलर। नेक्स्ट क्या है, येलो कलर। तो बनाना के अंदर हमने येलो कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ब्राउन कलर। तो अब यहाँ पे हम डोर के अंदर कैसा कर देते हैं, ब्राउन कलर। आप चाहे तो कुछ और ऐड कर सकते हैं बेटा इसके अंदर। उसके बाद में बकेट में क्या करेंगे आप, ब्लू कलर। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे चाहे तो बेटा कुछ और भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इसको मैं हटा देती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा। लुक अराउंड एंड फाइंड, आपको अपने आसपास में चीज़ें ढूंढनी है और यहाँ पे लिखना है। तो देखिए क्या क्या पूछा है उसने। सबसे पहले पूछा है 3 things that are red, रेड कलर की 3 चीज़ें आपको अपने आसपास में ढूंढनी है और उसके बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले। रेड क्या होता है, सबको पता है, रोजेज। रोजेज कैसे होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, चिली। चिली कैसी होती है घर में, मिर्ची कैसी होती है सबके घर में, रेड कलर की। उसके अलावा एप्पल। आप चाहें तो कुछ और चीज़, जो भी आपको रेड कलर अपने घर में दिखती है आप वो भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 3 green vegetables, 3 क्या करनी है, ग्रीन वेजिटेबल। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्पिंच। क्या लिखते हैं, पालक कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, स्पिंच।
ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा, कुकुम्बर या मिंट। पुदीना कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है ना, तो हमने सेकंड पे क्या कर दिया, मिंट कर दिया, कुकुम्बर कर दो। खीरा कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, थर्ड पे हम क्या कर देते हैं, पी। मटर कैसी होती है बेटा, ग्रीन होती है ना, तो हमने ये तीन नाम लिख दिए। उसके अलावा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री येलो कलर थिंग्स इन योर होम। येलो कलर की कौन कौन सी तीन चीज़ें आपके घर में हैं, तो देखिए कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड कैसे कलर का होता है बेटा, येलो कलर का। इसके अलावा कॉर्न कैसा होता है बेटा, कॉर्न कैसा होता है, येलो कलर का। इसके अलावा और कौन सी चीज़ होती है येलो, सनफ्लावर होगा येलो कलर का, बनाना होगा येलो कलर का, जो भी आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाना लिख देती हूँ, अगर आपको कोई और चीज़ लिखनी है तो आप और भी लिख दीजिए। फायर कैसी होती है, फायर कैसी होती है बेटा, येलो कलर की, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या कहता है, फूड आइटम दैट आर वाइट। वाइट हमें क्या लिखना है, फूड आइटम जो क्या कलर में हो, वाइट कलर में हो, तो कौन सा होता है, देखो एग। एग कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। उसके अलावा राइस कैसे होते हैं बेटा, वाइट कलर के। उसके अलावा मिल्क कैसा होता है, वाइट कलर का। तो हमने यहाँ पे तीन लिख दिए, थ्री आइटम्स लिखने थे हमें। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी बेटा कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ कलर। कलर का नेम लिखकर हमें जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए, व्हेन इट रेन द क्लाउड्स आर, जब बारिश होती है तो क्लाउड्स कैसे होते हैं, ब्लैक। ब्लैक होते हैं ना, काले बादल जिनको हम बोलते हैं, तो कैसे होते हैं क्लाउड्स, ब्लैक। अच्छा, द स्काई इज डैश ऑन अ ब्राइट डे। ब्राइट डे जब एकदम सनी डे होता है, सनी ब्राइट डे, उसमें जो स्काई हमको कैसा दिखता है, देखो बेटा या तो दिखता है ब्लू, या तो हम ब्लू कर सकते हैं या हम वाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि एकदम साफ आसमान होता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, वाइट। तो जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। द सन इज, सन कैसा है, येल्लो। हम कैसा कहते हैं सन को, येल्लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, एट नाइट द स्काई लुक्स, जब रात को स्काई कैसा दिखाई देता है आपको, नाइट में कैसा दिखाई देता है स्काई आपको, एकदम नाइट कैसा दिखाई देगा बेटा, हाँ जी, डार्क ग्राउंड, डार्क ब्लू कलर कैसा दिखाई देगा, डार्क ब्लू, ठीक है, एकदम डार्क ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। या ब्लैक लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं आप इसके अंदर, जो आपको ठीक लगता है आप दोनों ऑप्शन डाल के लिख सकते हैं, क्योंकि एकदम डार्क ब्राउन भी दिखता है हम, सॉरी डार्क ब्लू भी दिखता है और ब्लैक भी दिखता है। तो ये दो चारों ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमारा इसका हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हटा देती है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए, ये अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है, अ रेनबो हैज सेवन कलर। सबको पता है रेनबो में कितने कलर होते हैं बेटा, सेवन कलर, तो उन्हें के हमें नाम लिखने हैं। तो आइए हम उनके नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रेड कलर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं ऊपर से लिख देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रेड कलर। उसके बाद और सॉरी उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर। क्या आता है उसके बाद में, ऑरेंज कलर। थर्ड नंबर पे क्या आता है बेटा, थर्ड पे आता है येलो कलर। थर्ड पे कैसा कलर आता है, येलो कलर। उसके बाद में नेक्स्ट कैसा आता है, ग्रीन कलर। नेक्स्ट कैसा आता है बेटा, ग्रीन कलर। उसके बाद में कैसा आता है, ब्लू कलर। उसके बाद हम कैसा लिखेंगे, ब्लू कलर। उसके बाद लिखेंगे इंडिगो। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंडिगो। और लास्ट में बेटा कैसा कलर लिखेंगे हम, वॉयलेट कलर। लास्ट में क्या आता है, वॉयलेट कलर, ठीक है। तो ये सेवन जो कलर हैं, यही कलर आपको लिखने हैं बेटा, और इनको इसी सीक्वेंस में याद करिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, हम क्या लिखते हैं, रॉय जी बिन, रॉय जी बिन, क्या बोला जाता है इसको, रॉय जी बिन, जिससे देखो आपको सारे कलर सिक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे, रॉय जी बिन, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको एंड वॉयलेट, बिन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, आइए, कलर द रेनबो। क्या करना है आपको, इसको कलर करना है। तो यहाँ पे कलर करते वक्त ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको कैसा कलर दिखाई देना है, रेड कलर की शुरुआत करनी है। जो सीक्वेंस बताया है यहाँ पे अभी पहले वाले क्वेश्चन में, वही सीक्वेंस आपको यहाँ लगाना है। लास्ट में क्या लगाना है, वॉयलेट कलर। तो आइए हम कलर फिल करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट, जब कलर फिल कर दिया तो कैसा होता है। सबसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे, रेड कलर। क्या लिखना है सबसे बार, यहाँ पे आर लिखा हुआ था ना आपके, तो यहाँ पे क्या करना है, रेड कलर, फिर ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर, उसके बाद ग्रीन कलर, उसके बाद ब्लू कलर, फिर यहाँ पे ये कलर होता है इंडिगो बेटा, और उसके बाद आपको वॉयलेट कलर करना है। तो ये क्या है, रेनबो के 7 कलर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, मेरे चैनल को बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।